हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से इंसानों में डिफरेंट तरह का ब्लड ग्रुप होता है, उस तरह से क्या एनिमल्स में भी डिफरेंट तरह का ब्लड ग्रुप होता है? और इंसानों में जिस तरह से ब्लड की कमी हो जाती है तो उनको फिर ब्लड चढ़ाया जाता है, मतलब ट्रांसफ्यूजन होता है, तो क्या इस तरह से एनिमल्स में भी होता है कि उनमें ब्लड चढ़ाया जाता है? तो अगर इंसानों के ब्लड ग्रुप की बात करें तो इंसानों में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये इंसानों में ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में डिफरेंट ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, बहुत तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इंसानों के ब्लड का कलर हम जानते हैं कि रेड होता है, रेड इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स देखते हैं उनके ब्लड का कलर रेड होता है, रेड इसलिए होता है क्योंकि उनमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इंसानों वाला ब्लड उनमें नहीं होता, एंटीजेंस का डिफरेंस होता है, वो अलग ब्लड होता है और ये ब्लड अलग होता है, एंटीजेंस का डिफरेंस होता है। लेकिन जो एनिमल्स का ब्लड होता है वो और भी कलर का होता है, रेड के अलावा दूसरे कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है रेड के अलावा। रेड तो खैर होता ही है, ये अलग कलर क्यों होता है? अलग कलर उनके कलर पिगमेंट्स की वजह से होता है। जिस तरह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाता है रेस्पिरेशन के लिए। तो इसी तरह से जो डिफरेंट कलर के ब्लड होते हैं उनमें जो पिगमेंट होते हैं उनका भी काम यही वाला होता है जो हीमोग्लोबिन का काम होता है। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें एनिमल्स की, तो जैसे जैसे कैट है तो उसमें ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। या कैट की बात, या अगर हम डॉग की बात करें तो उनमें ब्लड ग्रुप डी ए 1.1, डी ए 1.2, डी ए 3 और 8 तक के होता है इस तरह से। और डी ए के आई 1, डी ए के आई 2, ये ब्लड ग्रुप हैं डॉग्स के। अगर हम बात करें गोट की तो गोट में जो ब्लड ग्रुप होता है 5 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। हेन की बात करें तो उसमें भी 5 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। शीप में 7 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। और काऊ में 11 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं और उनमें भी अगर ब्लड की कमी होती है, डॉक्टर्स उसकी ज़रूरत समझते हैं तो उनमें भी ब्लड उनको चढ़ाते हैं, उनको ब्लड देते हैं, ट्रांसफ्यूज़न होता है। उसी ब्लड ग्रुप का फिर एनिमल ढूंढा जाता है, फिर उसका जो ब्लड लिया जाता है और फिर एनिमल को दिया जाता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्या एनिमल्स में भी डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो हाँ, एनिमल्स में भी डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। और एनिमल्स में भी क्या ट्रांसफ्यूजन होता है, तो हाँ, एनिमल्स में भी ट्रांसफ्यूजन होता है। जिस तरह से इंसानों में ब्लड चढ़ाया जाता है उस तरह से एनिमल्स में भी ब्लड चढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।